मॉर्निंग दोस्तों, आज हम फिर एक वीडियो में आपके साथ हाजिर हो रहे हैं दोस्तों। और आपको इस वीडियो में हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से एक बच्चे की टांग टेढ़ी हो जाने के कारण उसका पैर टेढ़ा हो रहा था, तो अपन ने उसका पैर ठीक करने की कोशिश करी है। तो चलते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उसका पैर हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप ये बच्चा देख रहे हैं दोस्तों, ये बच्चा अभी कुछ दिनों का है और इसको निकले हुए 4-5 दिन हुए हैं। और इसके साथ में एक डिफ़िकल्ट कंडीशन ये हो चुकी थी दोस्तों कि इसका बच्चे का पैर अंडे से बाहर निकलते ही इसका पैर तिरछा होने लगा था। तो इसके पैर को तिरछे होने से रोकने के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं अपन, वो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। अगर आपके किसी भी कबूतर के बच्चे को अगर पैर अंडे से तिरछा निकलता है और उसको आपको सीधा करना है, तो क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कि आईडी ला सकते हैं, क्योंकि वो पैर आपका दवाइयों से ठीक नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि वो पैर हड्डियाँ जब मुलायम होती हैं, बच्चा जब निकलता है तो वो तिरछा पैर हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से आप उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, मैंने इस बच्चे को उल्टा करके दिखा रहा हूँ और इस बच्चे के मैंने दोनों पैरों में इस तरीके से धागा बांधा है और इस धागे को मैंने इस बराबर पोजीशन में बांधा है कि बच्चा अपनी टांग फैला नहीं सकता, उतने ही हिस्से में वो कवर करके रखेगा। तो दोस्तों जब भी आपके कबूतरों को इस कंडीशन की पैर का प्रॉब्लम होती है, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत नरम हाथों से आपको उन दोनों पैरों में धागे बांधने हैं और बराबर लेवल में बांधना है, जिससे वो बैठे तो इस तरीके से बैठे जैसे पैरों पर बैठा हुआ है, और उसको इसी तरीके से छोड़ देना है दोस्तों बच्चे को। और बच्चे को छोड़ने के बाद उसको करीबन करीबन 10 दिन या 15 दिन के लिए आपको पैर बांध के रखना है दोस्तों। और इसी तरह आप करीबन करीबन 10 से 15 दिन रखेंगे दोस्तों, तो आपके बच्चे में फ़र्क दिखाई देने लगेगा और वो पैरों पर खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों फिर ये अगर आप ये ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बच्चे का पैर फैलता चला जाएगा और तिरछा हो जाएगा और एक ही पैर पर बेचारा खड़ा होकर रह जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंडे से बच्चे निकलते हैं और उसका पैर तिरछा हो जाता है, तो आपको दोनों पैरों के बराबरी में धागा बांध देना है, जिससे एक पैर दूसरे पैर से सटा रहे और वो पैरों पर बच्चा बैठा रहे। तो दोस्तों यही मैं वीडियो में आपको लेके दिखाने वाला था, और बाकी मैं आपको अपने कबूतरों के लॉफ्ट का अपडेट दिखाता हूँ। दोस्तों ये दोनों मादियाँ हैं दोस्तों, और दोनों मादियों ने बच्चे निकाले हैं दोस्तों। और मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ आपको वीडियो में कि ये मादियाँ दोनों आपस में जोड़ खाकर अंडे रखती हैं और बच्चे भी निकालती हैं, और दोनों ही मादियाँ दोस्तों कलाक हैं। और एक ये भी मादी है और ये भी मादी है, देख सकते हैं दोस्तों, ये दो बच्चे निकाले हैं इस मादियों से ही निकले हुए हैं। और ये मादियाँ पता नहीं मुझे किस तरीके से जोड़ खाती हैं और बच्चे निकाल लेती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर इसका आइडिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि ये मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि मतलब ये दूसरी बार मैंने देखा है अपने लॉफ्ट में, क्योंकि मैं लॉफ्ट में ज़्यादा गौर नहीं कर पाता था टाइम के अनुसार। तो अब मैंने गौर करना स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये कबूतरी किसी से जोड़ खाती हैं, मुझे ये लगता था कि किसी नर से जोड़ खाती हैं और अंडे रखती हैं, मगर आज तक मैंने इनके अंडे या बच्चों पर किसी नर को बैठा हुआ दिखाई नहीं दिया है। और इस नर को बैठा नहीं दिखाई दिया है, दोनों मादियाँ ही बैठी दिखाई देती हैं और दोनों मादियाँ ही इन बच्चों को भराती हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि मैं इसका कैसे पता लगाऊं कि ये किसी नर से जोड़ खाती हैं कि मादियाँ खुद जोड़ खा के अंडे रखती हैं, क्योंकि अभी तक मुझे कोई भी नर इन बच्चों को बैठा दिखाई नहीं दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आप ज़रूर बताना मुझे कि ये मादियाँ जोड़ खा के अंडे रख सकती हैं, बच्चे निकाल सकती हैं क्या, अगर ऐसा है तो मुझे भी जानकारी मिलेगी आप लोगों से, और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे एक जानकारी देना चाहता हूं और एक जानकारी आपसे लेना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ जानकारी मेरे लायक है, तो दोस्तों ज़रूर बताएं, और वीडियो को आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।